नमस्कार, मैं पवन शर्मा श्री आदित्य क्लासेज अनूपगढ़ से आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं। आज मैं आपको भारत चीन युद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूं और इस कहानी में भारत चीन युद्ध की कहानी में जसवंत सिंह रावत अमर हो चुके हैं जो अपनी वीरता के कारण, इनकी कहानी लेकर आया हूं। तो इनकी क्या कहानी है, पहले इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर इनकी पूरी कहानी जानते हैं। तो देखिए कि उत्तराखंड के रहने वाले थे ये और ग्राम बादियो पट्टी खांटली के थे, जिला पौड़ी गहड़वा। 17 नवंबर 1962 की वो दिन था जब ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ेंगे। उससे पहले की कहानी सुनो, ये जब छोटे थे तब से भारत माता के लिए लड़ने के लिए, भारत माता के लिए अपना खून देने के लिए तैयार थे। इनमें जोश बहुत था और ये भारतीय सेना में भर्ती हुए और भारतीय सेना में भर्ती जब 17 साल के थे तब हो नहीं पाए थे, छोटे थे उम्र में, तो ये वापस गए और ये भारतीय सेना में भर्ती हुए। भारतीय सेना में इनको राइफल मैन का पद मिला और फिर ये एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद वापस गए और इनकी जो ड्यूटी थी वो 1962 में अरुणाचल प्रदेश में लगी और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत व चीन युद्ध में। और इनके साथ लांस नाइक त्रिलोक सिंह और राइफल मैन गोपाल सिंह, इनकी भी यहां पर ड्यूटी थी। और हुआ क्या कि जब पूरी लड़ाई लड़ी तो अंत में ये तीन जने बचे थे, नाइक त्रिलोक सिंह, राइफल मैन गोपाल सिंह और अमर जसवंत सिंह रावत। तो हुआ क्या कि जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने आगे सहायता के लिए इनको भेज दिया और स्वयं युद्ध लड़ते रहे और लगातार तीन दिन तक 72 घंटों तक युद्ध चला और युद्ध में इन्होंने अदम्य साहस दिखाया और अकेले ही 300 चीनियों को मार गिराया। इस तरह से ये अमर हो गए, अंत में लड़ते हुए ये भी शहीद हो गए और इनका खाने पीने का जो तीन दिन तक लगातार ध्यान रखा था वो सैला और नूरा दो बहनें थी, इन्होंने ये ध्यान रखा था खाने पीने का। इस तरह से ये अमर हो गए। आज इनकी वीरता के किस्से गाए जाते हैं, कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसे सेना के अंदर जवान है जिनको शहीद होने के बाद भी आज भी पद मिल रहे हैं, यानी कि आज भी इनको पद दिए जाते हैं। अब ये कैप्टन है इस समय सेना में, ये कैप्टन है। आपको कहोगे ये कैसे, तो कहते हैं इनकी आत्मा भी आज भी यहां पर रक्षा करती है, इनका एक मंदिर बनाया गया है यहां पर। तो ये कहानी बड़ी अलग है, सच्चा किस्सा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के बहादुर वीर है। तो इनकी कहानी मैंने आपको सुनाई और ये कहानी आपको सुनकर कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट में बताना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।